हाफिज ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बिलाखिर कई माह की ताखीर के बाद IMF का जो एक इम्तहान था, हुकूमत जो कोशिशें कर रही थी वो ख़त्म हुआ, पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर की मंजूरी हो गई। क्या आप समझते हैं कि अब मुआहदे के बाद मौशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जैसा कि मैंने कल भी अर्ज किया था कि ये जो दो काम हमने किए हैं ना, एक ग्रीन पाकिस्तान और एक ये जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट मिलना शुरू हो जाएगी हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक से, सऊदी अरब से भी, UAE से भी, और भी कुछ ममालिक जो हैं इसमें जिनका इंटरेस्ट है, मलेशिया भी मुमकिन है आ जाए। तो जो आपका एक डॉलर का मामला था वो तो मुझे लगता है कि अगर ये चल पड़ा और जिस तरफ पूरी तवज्जो है इस वक्त सिपा सलार जो है जनरल हाफिज आसिफ शीर साहब की और वजीर आजम साहब की उसकी हुकूमत भी तारीफ कर रही है, अब नगरान हुकूमत जब आ जाएगी अगर, तो वो लाजमी बात है उस पॉलिसी को लेकर आगे चलेगी जो बनी है। तो जिस तरह सऊदी अरब ने, इसमें कोई शक नहीं है, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारे साथ आके तआवुन किया है, और उनका तआवुन भी कौम और फौज के साथ है, हुकूमत लाजमी बात है उससे बेनिफिट उठाती है, लेकिन एक एतमाद की जो बहाली है, हमारे सिपा सलार ने कोशिश की है कि एतमाद की बहाली हो दोस्त ममालिक के साथ, जो कि पिछले सालों में उसमें कुछ कमी आई थी, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो जाती थी, अगर के पिछले जो आर्मी चीफ थे वो भी इसी कोशिश में लगे रहे, और मौजूदा आर्मी चीफ ने भी यही कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि ऊपर की सतह पर तो आपके अब मामला ठीक है, आप डिफॉल्ट नहीं होंगे, लेकिन जो आवाम की सतह पर महंगाई है उसकी तरफ अब तवज्जो, नगरान जो हमारी हुकूमतें हैं इनको तवज्जो देनी होगी, और इनको सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि हम तो नगरान हैं बस ठीक है, ये भी देखें कि जो आम आदमी है उसको किस तरह इससे जो है उससे उसको इस्तेफादा हो, उससे ऊपर जो है ये अपनी उस जिम्मेदारी को नगरान हुकूमतों को पूरा करना चाहिए, और अगर ये उस तरफ तवज्जो करेंगे तो लाजमी बात है एक इस्तेहकाम भी आएगा, आम आदमी तक रिलीफ भी पहुंचेगा, और अगर सिर्फ तवज्जो ना की तो स्टेट बैंक में तो पैसे आ गए हैं, आप डिफॉल्ट नहीं हो रहे, आपके पास डॉलर आ गए, लेकिन उस डॉलर का जब डॉलर महंगा होता है, एक जरूरी बात है, डॉलर महंगा होता है तो रेडी वाला भी कहता है डॉलर महंगा हुआ है इसलिए मैंने सब्जी महंगी कर दी है। अब जब डॉलर आपके पास आ गए हैं तो उस रेडी वाले से अवाम को रिलीफ दिलाना, दुकान वाले से अवाम को रिलीफ दिलाना, ये सूबाई और जिली जो जिम्मेदार है, हुकूमतें हैं उनकी जिम्मेदारी है, उस तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। बिल्कुल।